किसी न किसी कारण से देश का किसान प्राकृतिक संकटों से जूझ रहा है। गत वर्ष वर्षा कम हुई, वर्षा कम होने के कारण वैसे ही किसान मुसीबत से गुजारा कर रहा था, और इस बार जितनी मात्रा में बेमौसमी वर्षा और ओले गिरना, इतनी तबाही हुई है किसान की। हमने मंत्रियों को भेजा था, खेतों में जाकर के किसानों से बात करके परिस्थिति का जायजा लिया। कल इन सारे मंत्रियों से मैंने डिटेल में रिपोर्ट ली थी, इन किसानों को क्या मदद कर सकते हैं। और मैंने पहले दिन कहा था कि किसान को इस मुसीबत से बचाना, उसका साथ देना, उसको संकटों से बाहर लाना, ये सरकार की, समाज की, हम सब की जिम्मेवारी है। और किसान की चिंता करना ये आवश्यक है। नेचुरल कैलेमिटी पहले भी आई है, लेकिन सरकार के जो पैरामीटर रहे हैं उन पैरामीटर्स में आज के संकट में किसान को ज़्यादा मदद नहीं मिल सकती है। और इसलिए ये संकट का की व्यापकता इतनी है, और उस समय है जबकि उसको फसल लेकर के बाजार में जाना था, एक प्रकार से उसके नोटों का बंडल ही जल गया, उस प्रकार का हम कह सकते हैं। इतना बड़ा उसका, उसके पूरा पसीना बहाया हुआ यह हालत हुई है। और इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को भी आदेश किया है कि बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के उनकी तुरंत मदद की जाए। बैंकों को हमने आदेश किया है कि बैंक भी उनके जो कर्ज हैं उनके संबंध में किस प्रकार से रिस्ट्रक्चर करें, ताकि उनको इस संकट से बाहर लाया जाए। सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ा अहम निर्णय हम करने जा रहे हैं। अब तक खेत में 50% से ज़्यादा अगर नुकसान हुआ हो तभी वो उस मदद पाने के लिस्ट में आता है। 50% से ज़्यादा नुकसान होगा तभी आप मदद मिल सकती है, अगर 50% से कम हुआ है तो मदद नहीं मिल सकती है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी एक सुझाव था कि साहब ये नॉर्म्स बदलना चाहिए। हमारे मंत्री अभी जाकर के आए, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, और ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है कि अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। उसके कारण मुझे मालूम है बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, लेकिन किसान को 50% वाले हिसाब में रखने से उसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 33% जो कि कईयों की मांग थी उसको हमने स्वीकार किया है, और उसको हम दूसरा विषय है उसको जो मुआवजा दिया जाता है। देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा निर्णय पहली बार हुआ है 50% को हमने 33% लाना, और दूसरा महत्वपूर्ण जो आज़ादी के बाद आज तक इतना बड़ा जंप नहीं लगाया है किसानों को मदद करने में, हम इतना बड़ा जंप इस बार लगा रहे हैं, और आज उसको जो मदद करने के सारे पैरामीटर्स हैं उसको अब 1.5 गुना कर दिया जाएगा। अगर उसको नुकसान में पहले 100 रुपया मिलता था 150 मिलेगा, लाख मिलता था तो 1.5 लाख मिलेगा, उसकी मदद 1.5 गुना कर दी जाएगी। कभी हमारे यहाँ इंक्रीमेंटल होता था 5%, 2%, 50% वृद्धि, और ये किसान को तत्काल मदद मिले। राज्यों ने सर्वे का काम किया है, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसको आगे बढ़ाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे देश के किसानों को जितनी मदद हो सके उतनी मदद करने के लिए ये सरकार संकल्पबद्ध है, क्योंकि आर्थिक विकास की यात्रा में किसान का भी बहुत बड़ा योगदान है, और हमारे जीवन नैया चलाने में भी किसान का बहुत बड़ा योगदान है। बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम सब मिलकर के किसान को इस संकट की घड़ी से हम बाहर लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।